हेलो दोस्तों, कैसे? बढ़िया, एक नंबर। देखिए, एनसीईआरटी क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर 13, सम ऑफ एन एपी इज सम ऑफ एपी कंसिस्टिंग ऑफ एन टर्म्स इज 3n² + 5n, ये दिया है। तो Sn की वैल्यू है 3n² + 5n, और mth टर्म का वैल्यू Tm इज 164। तो सम की वैल्यू से टर्म की वैल्यू कैसे निकलती है, तो इसका एक फॉर्मूला है। तो वो फार्मूला क्या है दोस्तों? वो फार्मूला एक ऐसा क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में पहले भी मैंने एक किया हुआ है वीडियो में, जिसमें वो नंबर भी मैं आपको कोट कर देता हूँ। ये नंबर आपका है जिसमें ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने किया है, एक इसका वीडियो बना है और ये एक्सक्लूसिव वीडियो है इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो आप देखें, Tn की वैल्यू Sn-1 होती है, वहाँ पे भी इसका हमने यूज़ किया था, पर अभी हमारे पास Tm है। तो Tm की वैल्यू होगी Sm-1, लेकिन इसका लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से देखिए आप। एक सीरीज है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। S1 क्या है आपके पास? S1 है आपके पास 1। S2 क्या है आपके पास? 1+2, 3। S3 क्या है आपके पास? 1+2, 3, तीन टर्म्स का सम। S4 क्या चीज़ है आपके पास? S4 है आपके पास 10। S5 क्या चीज़ है? S5 आपके पास है 15। अब अगर आपने S5 में से S4 को माइनस किया, S5 में से S4 माइनस किया, तो आपको देखो क्या मिलती है, आपको मिलती है फिफ्थ टर्म। जब आप S4 में से S3 को माइनस करते हैं तो आपको क्या मिलती है, इसकी फोर्थ टर्म। देखो ना, 10-6 क्या मिल जाता है आपको, फोर्थ। इसमें से आप इसको माइनस करते हो तो आपको क्या मिलता है, थर्ड टर्म। तो ये आपका फार्मूला है, और इस फार्मूले को प्लीज़ कीप इन माइंड, इसको आप हमेशा दिमाग में रखें। तो Tm की वैल्यू हो जाएगी Sm-1। तो Sm क्या है? ये तो Sn है, तो कोई खास बात नहीं है, n की जगह m रख देंगे तो ये Sm बन जाएगा, 3m² + 5m-। अब Sm-1 के लिए क्या करेंगे? तो Sm-1 के लिए m की जगह m-1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा -3 m-1² + 5 m-1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 164। ये रखना है आपको, तो ये हो जाएगा आपका 164। अब इसे सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा, तो देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, 3m² - 2m + 1 + 5m - 5। जो आपको एकदम से दिख रहा है कैंसिल होता है, उसको कैंसिल कर दें। 3m² ये 3m² से कैंसिल, ये 5m इस 5m से कैंसिल, इज इक्वल टू कितना है आपके पास, 164। कैलकुलेट कर लें इसको, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, पर ये 3 बाहर है तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये 6m हो जाएगा। देखिए 3 × 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 - 5। तो देखिए, ध्यान से देखें आप, पहले अंदर ही अंदर देख लेते हैं हम, 3 × 1 3, 3 - 5 - 2, और माइनस बाहर है तो वो हो जाएगा आपका +2 इज इक्वल टू 164। 2 को आप उधर भेज दें तो m की वैल्यू हो जाएगी 164 -2, और ये 6 को नीचे भेज दें डिवीजन में, तो ये आपके पास आ जाएगा 162 डिवाइडेड बाय 6। तो 6 से कैंसिल कर दें, 6 × 2 = 12, 4 बचा, 4 × 2 = 42, 6 × 7 = 7। तो m की वैल्यू दोस्तों आ गई है 27। तो इसका आंसर है आपका, m का वैल्यू 27।
अगर आपको समझ में आ गया हो तो दोस्तों को ज़रूर बताएं। चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी, PhD इन मैथमेटिक्स ओनली। विश यू ऑल द बेस्ट।